सो हे गाइस, वेलकम बैक टू दी अनदर गेम प्ले ऑफ पोकेमॉन यूनाइट, जहाँ पे आज एक और नया गेम प्ले आ चुका है नया पोकेमॉन का, जिसका नाम है मेटाग्रॉस। और ये जो गेम प्ले होने वाला है काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि इसमें बहुत ही ज़्यादा खतरनाक चीज़ें आपको देखने को मिलेगी इस गेम प्ले में। पूरा वीडियो एंड तक देखना। फिलहाल देख सकते हो इसका जो फर्स्ट फॉर्म है, मुझे उसका नाम बिल्कुल भी नहीं पता, तुम लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना इसका नाम क्या है भाई। बहुत लेवल 10 पता नहीं क्या नाम है। फिलहाल ये जो फर्स्ट फॉर्म है, इसके दो अटैक हैं। पहला अटैक है टैकल, दूसरा अटैक है आयरन डिफेंस। दोनों ही अटैक काफ़ी क्रेजी है, क्योंकि टैकल का जो रेंज है भाई, साला रेंज है कि अफ्रीका वालों का खंबा। जोक सपाट गाइस, चलो बढ़ते हैं अपने गेम प्ले की तरफ, मतलब जिनका ये गेम प्ले उनकी तरफ, मेरा मतलब गेम प्ले की तरफ। और यहाँ पे देख सकते हो भाई साहब, डैमेज है कि क्या है भाई, बहुत ही ज़्यादा तगड़ा डैमेज है फर्स्ट फॉर्म में। लेवल 3 है गाइस, और ये एक ऑलराउंडर पोकेमॉन है। जिनको भी नहीं पता, मैं बता देता हूँ कि ये एक ऑलराउंडर पोकेमॉन है। तो फिलहाल तो देख सकते हो कि काफ़ी ज़्यादा तगड़ा एक्चुअली डैमेज हमको देखने को मिल रहा है पहले ही फॉर्म में। पता नहीं आगे वाले फॉर्म में ये क्या क्या करेगा। तो यहाँ पे अभी बहुत ज़्यादा पिट जा रहा है ये भाई साहब, ओके। और आयरन डिफेंस काफ़ी ज़्यादा तगड़ा है, क्योंकि डिफेंस काफ़ी अच्छा दे रहा है, और अटैकल की तो रेंज बहुत ज़्यादा तगड़ी है, आपको बता ही दिए मैंने। अभी देखते हैं कि ये ऑलराउंडर मिली टाइप है, मतलब मिली पोकेमॉन है, देखते हैं कि कब इवॉल्व होता है। ओके, यहाँ पे एक्चुअली अंदा इवॉल्व हो चुका है, और मीटियोर एश, ओके, इसने मीटियोर एश लेके रखा है। हैज़ द यूज़र चार्ज पावर इन इट्स फिस्ट डीलिंग डैमेज टू अपोजिंग पोकेमॉन। तो एक्चुअली ये एक तरह से देखा जाए तो चार्ज मूव है, जिसको ऑन करते ही इसके फिस्ट में बहुत ज़्यादा खतरनाक पावर आ जाएगी। मतलब एक तरह से डो टाइप का अटैक है। अगर अब तुम मीटियोर मैश ऑन करोगे, उसके बाद बेसिक अटैक मारोगे, कुछ ऐसा ही कुछ समथिंग, और फिर उसके बाद बेसिक अटैक मारोगे तो बहुत पावर निकलेगा। मतलब यूँ 2.5 किलो का हाथ है गाइस, आपको 2.5 किलो का हाथ देखने को मिलेगा। इसी बात पे वीडियो को लाइक कर दो। तो यहाँ पे अपने 2.5 किलो के मुक्के के साथ हमारा सेकंड फॉर्म, जो कि मेटाग्रॉस का, मुझे इसका भी नाम नहीं पता, तो आप लोग फटाफट इसका भी नाम कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। यहाँ पे देख सकते हो कि डैमेज और स्टन दोनों देखने को मिल रहा है मेरे को, लिटरली काफ़ी खतरनाक डैमेज और काफ़ी खतरनाक स्टन भी देखने को मिलेगा आगे वाले फॉर्म्स में। तो यहाँ पे अभी देख सकते हो कि इसका जो सेकंड मूव है वो भी खुलने वाला है, ओके। यहाँ पे खुल चुका है जेन हेडबर्ड, और ये नाम थोड़ा सा कुछ अजीब है, पता नहीं क्या है। यहाँ पे देख सकते हो मीटियोर मैश की पावर तो काफ़ी क्रेजी है, और इसका जेन हेडवर्ड ऑलमोस्ट टैकल की तरह ही है, बस उसका थोड़ा सा मतलब अपग्रेडेड वर्जन कह सकते हो, क्योंकि इसकी रेंज भी वैसी है जैसी मैंने तुम्हें बताई थी। फॉर एग्जांपल, ओके ये ऐसे चलता है, मतलब एक तरह से हिट करते आप उसकी तरफ चेज हो सकते हो, उसकी तरफ चिपक जाओगे। तो चेज करने के लिए जेन हेडबर्ड काफ़ी तगड़ा मूव है, एकदम आगे चले जाओगे आपके उसके मतलब मूवमेंट्स, मतलब जिसको भी पकड़ना है आपको, कुत्ते की तरह मारना है उसको, तो आपको ये मूव सेट बहुत मदद करेगा उसको पकड़ने में। बदला लेने की ट्रिक आप इस मूव सेट में लगा। और भाई साहब, मैं तो सोच रहा हूँ दोनों मूव सेट इतने तगड़े, तो आगे वाले जो मूव सेट वो कैसे होंगे। और इसका यूनाइट मूव मुझे देखना है यार, कि उसका यूनाइट मूव कैसा है, बस मुझे इसका यूनाइट मूव देखना है, क्योंकि जिस तरह से ये है ना, मुझे इसका यूनाइट मूव काफ़ी क्रेजी लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होगा। क्योंकि ये ऐसा पोकेमॉन बन रहा है जैसे टायंटार होता है ना, कि वैसे ही कैसे लोग भागते हैं उससे वैसा। ओके, ये अपने फाइनल फॉर्म में, जिसका नाम मैं जानता हूँ गाइस, और उसका नाम है मेटाग्रॉस। मेटाग्रॉस, ओके, हैज़ द यूज़र क्विकली एनालाइज द पोजिशन ऑफ नियर बाय अपोजिंग पोकेमॉन, ग्रांटिंग द यूज़र अ शील्ड इफेक्ट बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ अपोजिंग पोकेमॉन एनालाइज। ओके, तो ये एक तरह से ऐसा है कि आपको डिफेंस भी देता है, अटैक भी देता है यूनाइट मूव, और ये आपके अपोनेंट्स को काफ़ी, मतलब आपके साथी पोकेमॉन की काफ़ी हेल्प कर सकता है। तो ये काफ़ी अच्छा यूनाइट मूव देखने को मिल सकता है। और भाई साहब, ऐसा लग रहा है दारा सिंह आ चुका है, ऐसे मतलब मूवमेंट स्पीड, मतलब मूवमेंट देखो यार इसके चलने की, मुझे लगा ये भी हवा में करेगा। ओके, यहाँ पे इसने यूनाइट चलाया है। ज़्यादा पोकेमॉन नहीं थे तो आपको ज़्यादा देखने को नहीं मिला, पर ये भी ठीक था, एक ही था इसलिए एनालाइज एक ही हुआ। तो यहाँ पे देख सकते हो भाई, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक तरीके से इसका गोल एनिमेशन देखूँ तो, ओके, गोल एनिमेशन भी काफ़ी तगड़ा है देखने को मिला है मेरे को, काफ़ी नॉर्मल सिंपल और ख़तरनाक, क्योंकि एक देखा है ना, बढ़िया था भाई। और यहाँ पे सेकंड मूव सेट की बात करते हैं, फाइनली आ चुका है। तो सेकंड मूव सेट में पहला जो नाम है उसका है गायरो बॉल, जो कि नाम की तरह बहुत अजीब भी दिख रहा, पता नहीं कैसा है। द यूजर स्पिन रैपिडली डीलिंग डैमेज, ओके, ये है गाइज बहुत ही खतरनाक और बहुत ही ज़्यादा डैमेज वाला मूव लग रहा है मेरे को। स्पिन भी करता है और डैमेज भी देता है, इसका मतलब स्टन तो देता ही होगा अगर जहाँ तक मुझे लगता है। यहाँ पे बहुत ही भाई साहब डैमेज दे रहा है कि कुत्ते की तरह मार रहा है, पता नहीं, क्योंकि देखा जाए तो वैसे है तो लेवल अप कम इनका,
लेकिन बहुत ही खतरनाक डैमेज दे रहा है यार, मुझे काफ़ी पसंद आ रहा है इसका सेकंड मूव सेट भी। गायरो बॉल है ना, स्पिन करता है, स्टन भी देता है, और इसका मूव सेट लिटरली मुझे टायरेंट एयर की याद दिला देता है, लिटरली टायरेंट आर की याद दिला रहा है मेरे, सेम टू सेम बहुत सिमिलर टाइप लगता है इसका मूव सेट। और दूसरा है गाइस मैग्नेटिक, क्या नाम है इसका, मैग्नेटिक राइज, एज द यूजर लेविटेट फॉर द सेट ऑफ टाइम यूजिंग द इलेक्ट्रिकल जनरेटेड मैग्नेटिज्म इंक्रीजिंग द यूजर मूवमेंट स्पीड। ओके, तो ये एक ऐसा मूव सेट है जिसमें तुम अपने यूजर की मूवमेंट स्पीड, मतलब अपने पोकेमोन की मूवमेंट स्पीड बढ़ा सकते हो, मतलब कुल मिला के मेटाक्रॉस। यहाँ पे भाई उसका छोटा फॉर्म आ चुका है, बड़ा फॉर्म कौन जीतेगा, ऑफकोर्स बड़ा फॉर्म ही जीतेगा। ओके, इसका देख सकते हो मूवमेंट स्पीड भी बढ़ रही है और अटैक पावर भी बढ़ रहा है, कुल मिला के डबल फायदा। यहाँ पे जैसे आप इसको ऑन करते हो तो आपको एक अटैक मिलता है जिसमें ये स्टन भी करता है, मतलब बहुत ज़्यादा स्टन वाला मूव सेट देखने को मिल सकता है आपको, बहुत ही मस्त स्टन वाला है। जैसे होता है ना टायरेंट आर में जैसे आपको स्टन देखने को मिलता है हर एक मूव में, वैसे ही। फिलहाल देखो भाई साहब अगला देखते हैं, इसका यूनाइट मूव तो हमने देख ही लिया है और दोनों मूव सेट भी आप देख सकते हो, लेकिन इसको मैं एक्चुअली मेटाग्रॉस पे देखना चाहता हूँ क्योंकि मेटाग्रॉस ये लेविटेट नहीं करता, तो देखता हूँ कि इस पर कैसे सेट होता है। फिलहाल इसको इवॉल्व करने में देखते कितना टाइम लगता है। ओके हो गया, अब मैं देखता हूँ कि ये मैग्नेट राइज कैसे काम करता है। ओके ये तो भाई साहब पैक हो गया अपने हाथों में, ये ऐसे करेगा और इसको आप इस्तेमाल कर सकते हो एक स्टन मूव की तरह, स्टन भी देता है, अटैक वगैरह बहुत तगड़ा दिख रहा है मेरे को यहाँ पे। अभी मैं देखता हूँ कि ये कैसे करता है सामने, ये टारगेट किया, डैमेज इसका इतना नहीं है लेकिन शील्ड ग्रांटेड करता है जो कि काफ़ी सही है यूनाइट मूव का, अपने आपको मतलब अपने साथ वाले बंदों की काफ़ी मदद करेगा यहाँ पे। भाई साहब बहुत ही ज़्यादा तगड़ा है यार, स्टन तो मुझे काफ़ी दिख रहा है, बहुत दिक्कत देने वाला है रैंक वालों में गाइस, बहुत ज़्यादा, अगर सामने आया तो कुत्ते की तरह मारेगा, ध्यान रखना। यहाँ पे अभी भाई साहब देख सकते हो डैमेज कैसे दे रहा है भाई, एक ही झटके में मेल्ट कर देगा इसको लिटरली। और भाई बहुत तगड़ा पोकेमोन है और भाई बहुत ज़्यादा अच्छे मूवसेट भी है, यूनाइट भी काफ़ी यूनिक और अच्छा है, देखा जाए तो ओवरऑल पोकेमोन मुझे काफ़ी अच्छा लगा, लेकिन देखा पड़ेगा कि ये जब आएगा तभी पता चलेगा कि कैसा होने वाला है, क्योंकि ये तो अभी एक बॉट्स फाइट है, नो चांस कुछ भी कह सकते हैं, ये तो जब यूनाइट के अंदर आएगा तब पता चलेगा, अभी के लिए तो काफ़ी अच्छा दिख रहा है। वेल वेट करेंगे इस पोकेमोन का, देखते हैं कब आएगा ऑलराउंडर मिली पोकेमोन ये भी। तो चलिए गाइस आज की वीडियो के लिए उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, साथ ही साथ चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना। तो चलिए अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।